नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में और मैं हूं कविंद्र सचान। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर का जन्म 4 जुलाई 1956 को गोवा के हरमल जिले में हुआ था। इन्होंने एमएससी और बीएड किया है। पारसेकर गोवा के हरमल पंचकोशी माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे हैं। मेंड्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मनोहर पर्रिकर सरकार में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। लक्ष्मीकांत पारसेकर की छवि एक साफ सुथरे जुझारू नेता की रही है। वे लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार लक्ष्मीकांत जी। सबसे पहले तो जिस तरीके से गोवा है और गोवा को लेकर एक बड़े टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता है, लेकिन आर्थिक लिहाज से भी एक बहुत ही मैं कहूँ कि अहम राज्य है। आपकी सरकार का जो प्रमुख एजेंडा है इस वक्त वो क्या है, क्या फोकस है इस वक्त? हमारी सरकार जब सत्ता में आई हमारा, तब एक 2-3 महीने में वी हैड टू फेस अ सीरियस फिनेंशियल क्राइसिस। देर वॉज अ ब्लैंकेट बैन ऑन माइनिंग एक्सट्रैक्शन एंड माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन। माइनिंग जो गोवा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनेंशियल सेक्टर था, जिससे करीब हर महीना 125 टू 150 करोड़ हमारे ट्रेजरी में आता था, दैट वॉज स्टॉप्ड। एंड इन व्यू ऑफ विच फाइनेंशियल क्रंचेस हुए, इसीलिए टूरिज्म वॉज द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। दिस स्टेट दो मे बी टाइनी, इट इज ब्लेस्ड विथ नेचर एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू एन इंटरनेशनल टूरिस्टिक डेस्टिनेशन। आई वुड से इट हैज गिवन, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द माइनिंग एंड इट इज हेल्पिंग अस लॉट। लेकिन माइनिंग को लेकर जो कि एक बड़ा सोर्स रहा है गोवा की, मैं कहूँ कि आर्थिक मजबूती के लिए उसके रिसोर्स को लेकर, इसको लेकर पारसेकर साहब सवाल ही बहुत खड़े हुए हैं। कई पर्यावरणविद हैं या कुछ एनजीओ हैं जो कहते रहे हैं कि गोवा में खनानों के ज़रिए या खनन के ज़रिए पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है, रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? आप सही कहते हो कि पर्यावरण, माइनिंग से पर्यावरण खराब होता है, फिर भी if it is done in a planned manner, mines और जो है वो पूरा extract करने के बाद if that entire peat or that area is afforested again, if it is, it can be developed into a good touristic spot also. In Goa recently one such point has been developed by a company by name Seza Goa, and I am planning to visit it also. So it is not that it spoils the environment. I think planned mining could also be done by taking care of environment or by restoring environment also back. क्योंकि जब भी खनन का मामला आता है, पारसेकर साहब कहते हैं कि बहुत माइनर लाइन होती है लीगल माइनिंग में और इलीगल माइनिंग में। सरकार कैसे उस इलीगल माइनिंग को रोक रही है या रोकने की कोशिश होगी, और कैसे ये करेगी ये सुनिश्चित कि जो माइनिंग हो सिर्फ लीगल हो, जो सरकार की ओर से अलॉटेड है उसी एरिया पर हो? मुझे लगता है गोवा में जो प्रॉब्लम हुआ था 2-3 बरस पहले, वो ज़्यादा से इलीगल माइनिंग के कारण ही हुआ था। There was no control of the government. Then government or the members in the council of ministers were also involved in it. People who were not, जिनको इस धंधे से लेना देना नहीं था, उनका धंधा भी नहीं था, लेकिन केवल illegal mining करके एक रात में हम मिलियनर बने, ये सपने लेके जब politicians उतरे तब ये मामला हाथ से गया और पोल्यूशन का सीरियस प्रॉब्लम तैयार हो गया।
जब कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है तब लोग भी रिवोल्ट करते हैं। एनजीओज ने शुरू में किया, बाद में पूरी जनता उसके साथ रही। हम भी ऑपोजिशन पार्टी तब थे, हमने भी रिवोल्ट किया था, लेकिन हम पूरा माइनिंग बैन करने के सोच नहीं थी हमारी। इल्लीगल माइनिंग स्टॉप होना मांगता था, लेकिन इतना डिटोरिएट हुए थे कंडीशंस, लोग जो लोग उन गांव में रहते हैं उनकी हालत ख़राब हुई थी, वो बाहर नहीं आ सकते थे, स्कूल में बच्चे पढ़ने को जा नहीं सकते थे, सीनियर सिटीजन्स की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, रास्ता सामान्य आदमी को रास्ते का दे कुड नॉट यूज़ इवन द रोड्स, एंड दैट इज़ व्हाई इट वाज सुप्रीम कोर्ट हु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इम्पोज अ बैन, ब्लैंकेट बैन। शुरू में 5-6 महीने हमें बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन ब्लैंकेट बैन हमें लगता था ब्लैंकेट बैन ये टेम्पररी फेज़ है, और इन अ कोर्स ऑफ टाइम, इन अ पीरियड ऑफ 5-6 months और ओवर अ पीरियड ऑफ 8-9 months द लीगल माइंस विल कमेंस, एंड देयरफॉर वी वर होपफुल अबाउट दैट। बट द यूपीए गवर्नमेंट इन द एड्रेस सेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years डिड नॉट मूव एन इंच ऑन दिस रिगार्ड, एंड देयरफॉर वी हैड टू फेस serious and severe financial crisis. It was only after that Mr. Modi ji came to power in Delhi, our NDA government came to power, things started moving, and during the last about 1 year or so, things are being put in order, our permissions are also being given, NOCs are being given, clearances are being given from our side, we have renewed their leases also. जब लोकसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त में जो मुख्यमंत्री थे पारिकर साहब, उन्होंने कहा था कि जो माइनिंग बंद हुई थी उससे बहुत सारे परिवार जुड़े हुए थे, लीगल माइनिंग से जुड़े हुए थे, उनके रिहेबिलिटेशन की बात हो रही थी, किस तरीके से उनको लेकर काम किया गया, क्या उनको कहीं दूसरी जगह सेटल किया गया है या फिर वापस उसी उसमें मैं कहूँ कि माइनिंग वाले क्षेत्र में जाने को तैयार दिखे। जो माइनिंग अफेक्टेड फैमिलीज़ है उनके जो बिजनेस में जो ट्रक्स लगे थे, मशीनरीज लगी थी, उनके लिए हमने फिनंशियल पैकेज भी जो कुछ दे सके वो दे दिया। हमने करीब 101 करोड़ रुपया उनको फिनंशियल पैकेज देके उनके गाड़ी के इंस्टॉलमेंट, बैंक इंस्टॉलमेंट है वो क्लियर करने को मदद की। जो लोग डायरेक्ट नौकरियां, दोज हुएर टर्मिनेटेड, उनको भी हमने फिनंशियल पैकेज दिया, लेकिन कितना टाइम हम दे सकते हैं, जो कुछ करना विच वॉज विद इन द परमिसिबल लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ फिनंशियल क्राइसिस वी हैव डन इट, एंड वी आर अटेम्प्टिंग टू डू इट। नॉट ओनली दैट, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैंक इंस्टॉलमेंट्स वी रिक्वेस्टेड बैंक्स टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ लोन्स एज ऑन September 2012 व्हेन द ब्लैंकेट बैन वॉज इम्पोज। करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है पारसेकर साहब गोवा में, और हाल में कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, कंसल्टेंसी को लेकर विदेशी कंपनियों की ओर से भी मामले सामने आए हैं। इस करप्शन को रोकने के लिए या फिर मसलों को लेकर आपकी सरकार कैसे आगे बढ़ रही है, क्या आप स्टेप ले रहे हैं? आई टुक ओवर इन लास्ट नवंबर। मुझे लगता है जब मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी ली, तब से मैं पुराने जो चीज़ें हैं जिसमें बहुत करप्शन हो गए उसकी ओर मैंने कंसंट्रेशन करना मेरा प्रायोरिटी नहीं रखा। मैंने डेवलपमेंट के बाजू में, उसके बाद शिक्षा के बारे में बाजू में, शिक्षा देन हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के जनरेशन, ये चीज़ों में हमने कंसंट्रेट किया। माइनिंग, लीगल माइनिंग रिस्टोर करने को हमने कंसंट्रेशन किया, और पिछले
आठ नौ महीने में निश्चित रूप से व्हेन आई लुक बैक आई फील आई एम मूविंग ऑन राइट ट्रैक। लेकिन जिस प्रोजेक्ट को लेकर विदेशी कंपनियां आरोप लगा रही हैं करप्शन के पुरानी सरकार के मंत्रियों पर, और पुरानी सरकार के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पारसेकर साहब बदले की भावना से रिवेंज के तहत जांच चल रही है, उनका ये भी आरोप है कि सरकार उन कंपनियों के जितने भी प्रोजेक्ट हैं चाहे वो वर्तमान सरकार के दरमियान हों या फिर पुरानी सरकार में रहे हों, उन सब की जाँच एक साथ क्यों नहीं कराती। ये तीन ही प्रोजेक्ट जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसमें जायका प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसको जापान ने फिनांस किया है, देन वन सीलिंग बनाना था हमारे पिछले मुख्यमंत्री दिगंबर जी कामत, वो सीलिंग के बारे में बोलते थे यहाँ से दोनापाल से लेकर मुरगांव तक, वो बना नहीं, कुछ हुआ नहीं, बातें हुई और उस कंसल्टेंट को पैसे दिए है, बहुत पैसा दिया है, करोड़ों में दिया है। देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा चल रहा है, उस कंसल्टेंट को भी वो कंसल्टेंट उसी ग्रुप ऑफ कंसल्टेंट में है, लेकिन जो काम चल रहा है वो हमने वो जायका का हो, वाटर पाइपलाइन का हो या सीवरेज का हो या एयरपोर्ट का हो, वो चलता रहता है, लेकिन चलता रहा है, वो चल रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसल्टेंट के बारे में जिस तरह की चीज़ें हुई है उनकी इंक्वायरी हमने जब हमारे व्हेन इट वाज ब्रॉट टू माय नोटिस व्हेन द न्यूज़ फ्लैश फ्रॉम यूएस आई इमीडिएटली एक्टेड अपॉन एंड आई हैव हैंडेड ओवर द केस टू द क्राइम ब्रांच हियर एंड द प्रिलिमिनरी इंडिकेशंस दैट हैव कम टू माय नोटिस clearly shows that there has been a matter of bribery, a case of bribery, and people will be booked in this regard. But however, since the court which has passed the order is from US, I am also seriously thinking of, after getting the preliminary findings or preliminary recommendations from crime branch, I plan to hand it over to the union. I will write to Prime Minister and with a request to hand it over to CBI. Parsekar sahab, yahan par main rukunga ek chote se break ke liye, lekin break ke baad Goa ke liye kis tarah ki yojnaen chal rahi hain, aage ka agenda kya hai aur kya ek aisa bada project hai jisko lekar Parsekar sahab मैं कहूं कि उनका इच्छा या एम रही है, इसे वो अपने इस कार्यकाल में पूरा करना चाहते हैं, समझेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तरकश, हमारे साथ हैं गोवा के मुख्यमंत्री पारसेकर साहब। पारसेकर साहब, जब आपकी सरकार बनी थी तो आम आदमी के लिए सोशल सेक्टर जो कहा जाता है, सामाजिक सुरक्षा, इस सब को लेकर कई सारी स्कीम्स की चर्चा होती थी, आज क्या हकीकत है, कहाँ तक पहुँची वो स्कीम्स? जो सामाजिक सुरक्षा की योजना के बारे में आपने पूछा है, हमारे राज्य में इतनी अच्छी ऐसी योजनाएं है हमने बनाई है, और पूरे के पूरे ऑल डिजर्विंग लोगों को वो जा रही है, पीपल अक्रॉस द कंट्री अप्रिसिएट दिस। हमारा दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना नाम का एक योजना है जो हमने 2002 में शुरू की थी, जब हम बीजेपी पहली बार सरकार में आए थे, वो 500 रुपये से लेकर हमने शुरू की थी। उसके बेनिफिशियरीज सीनियर सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स हुज इंडिविजुअल इनकम डू नॉट एग्जिस्ट 12,000 पर मंथ, देन विडोज देर इज नो इनकम लिमिट ऑन देम, एंड सो ऑल्सो ऑन डिजेबल्ड। वी हैव 101,33,000 बेनिफिशियरीज, दिस टाइम वी हैव इंक्रीज द बेनिफिट फ्रॉम अर्लियर 500 टू 2,000 पर पर्सन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी हैव, इट मे बी DSS दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना हो या अन्य हो, हम उसका बेनिफिट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से ही करते हैं। दूसरी योजना है महिलाओं के लिए, हम जब सत्ता में आए थे तब बहुत महंगाई थी,
और हमने महिलाओं का थोड़ा मॉनिटरी बेनिफिट देने के लिए हमने गृह आधार योजना इम्प्लीमेंट की 2 बरस पहले। उससे हमने पहले बरस वो 1000 से शुरू की थी, दोज वीमन हुज मंथली इनकम डज नॉट एग्जिस्ट ईयरली इनकम डज नॉट एग्जिस्ट 3 लैक्स एंड मोस्ट ऑफ द मिडल क्लास वीमन एंड पुअर फैमिली वीमन वेयर बेनिफिशियरीज। इन गोवा वी हैव 1,28,000 बेनिफिशियरीज। हियर अगेन द योजना विच वॉज स्टार्टेड विथ 1,000 एज बेनिफिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 1,200 दिस ईयर। ऐसे 1,28,000 महिलाओं को ये योजना हर महीना जाती है। इसके सिवा स्त्री जन्म को सम्मान देने के लिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की एंड इट इज थ्रू दिस योजना अ गर्ल चाइल्ड एट द एज ऑफ 18 गेट्स अ बेनिफिट ऑफ 1 लाख रुपीज। वी एवरी मंथ ऑन एन एवरेज द बेनिफिशरीज आर अबाउट 1,000 इन गोवा। लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट को लेकर मैं कहूँ कि गोवा में एक बड़ी समस्या रही है पिछले, अगर मैं 1 से 2 दशक की बात करूँ, इस वक्त क्या स्थिति है एम्प्लॉयमेंट को लेकर? और एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्योंकि खास एजेंडा रहा था आपकी सरकार जब सत्ता में आई थी, किस तरीके से वो योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, कहाँ तक पहुँची हैं? सर, एम्प्लॉयमेंट के बात की तो मैं एक चीज़ बता दूंगा। गोवा वॉज लिबरेटेड 14 ईयर्स आफ्टर इंडिया, और जब हम लिबरेट हुए थे तब यहाँ एडुकेशन की फैसिलिटीज वॉज ओनली लिमिटेड टू फ्यू फैमिलीज एंड दैट इवन इफ अ टीचर वॉज टू बी रिक्रूटेड, अ जूनियर इंजीनियर वॉज टू बी रिक्रूटेड, अ पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम सेवक ऑल वेयर बोरोड फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स। द देन विजनरी अवर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर लेट मिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर, he was not that qualified, but he was a visionary, he knew the importance of education and he started large number of primary schools to start with, which thereafter were elevated to high schools, higher secondaries, colleges also. And today the situation is, in a village where no matriculate was available in the past generation has at least 2 to 3 graduates per family. We have doctors, engineers, scientists, teachers produced in almost all the villages. And in result, the problem is now it is the unemployment problem that has been generated. Large number of students of ours, every year about 1,200 students pass out from IT sector. There was no provision of job as such. There are a few outlets where it is possible also, but all could not be accommodated. So most of them have gone to Pune, Hyderabad or Bangalore. And jo qualified log rehte hai, jo intelligent brain rehta hai, wo brain drain ho ja raha hai. Pichle kai saalon se ye chal raha hai and that is in long run it is not healthy in the as regards our state is concerned. I would say our government is therefore planning to see that this brain drain stops, and while doing it even the less educated or average educated jo matriculates hai, ITI holders hai, 10वीं 12वीं कक्षा जिसने की है, उन सब के लिए जॉब एवेन्यूज की ज़रूरत थी। एंड मैंने 2 चीज़ें प्रायोरिटी पे इन दिनों में मैंने ली है। एक हम IT पार्क बना रहे हैं जो यहाँ चिंबल पेंजिम के यहाँ से एक 4-5 किलोमीटर पे है, जहाँ हमने 4 लाख स्क्वायर मीटर जगह IT पार्क को दी है, हैंड ओवर की है। और यहाँ से करीब 18 किलोमीटर पे पेडने तालुका में जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है, वहीं एक तुवे नाम के गांव में एक 6 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन
हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी को दिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी डेवलप करने का प्रपोजल लेके दिया है। उसके लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो उधर शुरू भी हुआ है, वहाँ कनेक्टिविटी के लिए रास्ता, वो देन पावर, पानी, ये सब चीज़ों का इंतजाम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 या 3 बरस में वहाँ एम्प्लॉयमेंट के स्लॉट्स बनेंगे। पर्सेकर, आपने एक लंबा राजनीतिक पॉलिटिकल करियर है आपका, आपने अलग अलग चीज़ें देखी हैं। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग से लेकर स्कूल में आपने जब पढ़ाई ख़त्म की शिक्षा, उसके बाद आपने टीचर बने। मैं समझना चाहूँगा कि कोई एक ऐसा एक प्रोजेक्ट जो आपके बचपन से या आपके स्कूल के टाइम में, आप जब आगे बढ़ रहे थे, कोई लगा हो कि गोवा के लिए ये प्रोजेक्ट है जो मैं अगर कभी मुख्यमंत्री बना उसे करना चाहूँगा, कोई एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे आप आगे बढ़ाना चाहें? सर, जो इस एरिया से मैं आया हूँ वो पेडने तालुका है, इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र। वो बहुत पिछड़ा था, मेरा स्कूलिंग भी उस तालुका में मैं कर नहीं सका। देर वेर नो फैसिलिटीज, आई हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट 20-25 किलोमीटर्स टू कम टू मापसा। आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ फिनेंशियली साउंड फैमिली, सो my family was shifted to Mapsa for higher education, higher in the sense for seeking admission in 8th. Thereafter, I could manage there. Lekin jo hamara Pedne taluka hai, usme subsequently schools aayi, lekin pura durlaksh raha pichle sarkaron ka. Pedne taluka hi nahi, गोवा में कानकोण तालुका है, सांगे तालुका है, केपे तालुका है, धारबांदोड़ा तालुका है, जो बिचोली तालुका है, सत्तरी तालुका है, ये पिछड़े तालुका है, तालुका रूरल तालुका है। वहाँ अभी स्कूल्स हुए हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज बनी रही है। इन सब पिछले कई सरकारों ने डेवलपमेंट की जो चीज़ें ही वो केवल दोज वेयर लिमिटेड टू टाउन्स एंड सिटीज, एंड एज सच टाउन्स एंड सिटीज़ वेर क्राउडेड। हर एक आदमी पेंजिम आता है, मापसा आता है, नौकरी के लिए इधर आता है, पूरे गांव से आता है। सो इसीलिए सुबह आने के समय, शाम को जाते समय, रास्ते पे बहुत प्रेशर भी रहता है। मुझे लगता है हर अनएम्प्लॉयड यूथ को उसके गांव में ज़्यादा से ज़्यादा तालुका प्लेस तक उसको नौकरी मिलनी मांगती है, और गोवा हैज़ अ लार्ज पोटेंशियल। आने आगे वाले काल में, इन द डेज टू कम, आई प्रिफर टू डेवलप, आई प्रिफर टू इम्प्रूव, आई प्रिफर टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल दीज रूरल तालुकास, इंक्लूडिंग माई पेडने तालुका, वेर एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय नेम मोपा एयरपोर्ट इज कमिंग अप। With that international airport, the entire taluka and the state will be internationally linked. That would help us to bring good industries of our choice. And जो पिछलापन था वो निकल जाएगा। हम रास्ते डेवलप करने पर हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ब्रिजिस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन रही है। यहाँ पेंजिम में 2 ब्रिजेस थे मांडवी पे, हम 3रा ब्रिज डाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें गोवा में हो रही है, एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग बीजेपीज टर्म, पास्ट बीजेपीज टर्म ड्यूरिंग मनोहर परिकर्स टाइम, एंड इवन दिस टर्म विच वॉज अर्लियर अंडर हिम ओनली, इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट हैज़ बीन लार्जली डन। ऑल ब्रिजेस, 95% of the bridges constructed in Goa are in the small span of BJP. The educational institutions are largely supported, not only the government colleges, but even the aided institutions, the private institutions are well supported, and as such, shiksha ka darja bahut achha Goa mein hai, bahut achha hai. Laxmikant Parsekar sahab, humse baatcheet karne ke liye aapka bahut bahut shukriya. Dhanyawad. तो तरकश के आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।